इस तस्वीर को आईएस अविनीश शरण ने शेयर किया था, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएस है 2009 बैच की। इसमें लिखा हुआ है कि फ्री फ्री फ्री। जिन बच्चों के मम्मी या पापा नहीं है, 0 से 14 वर्ष तक के केक के लिए फ्री। वहां भी फ्री लिखा हुआ है, चाट भी फ्री। और मम्मी या पापा नहीं है, 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को चाट मीठा फ्री। ये दुकान है, ये किसी अम्बानी या अडानी की दुकान नहीं है, ये दुकान बहुत बड़ी भी नहीं कही जाएगी, एक छोटे से जिले के एक बड़ी सी दुकान इसको कहा जा सकता है। कि इस दुकान में हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं, बिस्कुट है, नमकीन है, तमाम चीजें हैं। लेकिन जिस तरह से दुकानदार ने, अब यहाँ दुकानदार बैठते हैं और अपने काउंटर के पीछे इस तरह का बोर्ड लगाया हुआ है कि जिन बच्चों के मम्मी या पापा नहीं है, 0 से 14 वर्ष तक के लिए केक फ्री फ्री फ्री। इस वीडियो को अविनीश शरण आईएएस हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के हैं, उन्होंने शेयर किया था। जैसे ही शेयर किया, पूरे देश में इस वीडियो को, इस फोटो को प्रशंसा मिलने लगी कि भाई इस तरह का भी कोई दुकानदार है जो अपने दुकान में इस तरह का बोर्ड लगा के रखता है। दुकानदारों में अक्सर आपने ये बोर्ड दिखा होगा कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या यहाँ उधार नहीं मिलता है, या तरह तरह के बेट के पास छुट्टे पैसे दें। लेकिन इस तरह का बोर्ड अमूमन कभी किसी दुकान में मैंने तो नहीं देखा, देश भर घूमा हूँ, लेकिन इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है कि फ्री फ्री फ्री। जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं है, उनको 14 वर्ष तक के बच्चों को केक फ्री में ले जाइए, इस तरह का बोर्ड नहीं देखा। कौन है इसके मालिक और अविनाश शरण ने कैसे शेयर किया, कैसे ये जानते हैं, मिलवाता हूं उनसे। कहां गए भाई साहब? आ जाइए। कैसे ये ख्याल आया बच्चों का लिखने के लिए कि जिन बच्चों के फ्री नहीं है, लोग उधार मांगने के लिए लिखते हैं, आप ये कैसे लिख दिए? हम ये इसे बच्चे मतलब आए थे, इस बात कर रहे थे इसे कि बर्थडे इसका, लेकिन इसके तो पापा नहीं है। तो ये बात सुनकर मतलब हमको तो रोना आ गया एकदम। तब से हम मतलब हम सोचेंगे कि जिसके पापा मम्मी नहीं है, उसको हमेशा यहाँ पे केक फ्री, मीठा चाट फ्री रहेगा हमेशा, पूरे जीवन भर अनलिमिटेड, जितना खाएं उतना खाएं, एक भी रुपया नहीं लगेगा यहाँ पे। ये कब ऐसा हो गया? ये हुआ मतलब लगाए हमको 2.5 महीना हुआ, लेकिन हम इसको सोच रहे थे 3 महीने से लगाने के लिए, जब हमको मिले थे लड़के जब, तब से। लेकिन हम लगन के हिसाब से बहुत व्यस्त लगा नहीं पाए, लेकिन लगन खत्म होते ही हमें लगाए, 2.5 महीना हो गया लगाए हुए हमको इस पोस्टर को। कितने बच्चों को अभी तक लाभ दे पाए हैं? अभी हम 8 बच्चों को दे दिए हैं लाभ। 8 बच्चों को लाभ दे दिए हैं। चाट मिठाई तो बहुत बच्चे खाए हैं, मतलब हम पैसा ही खाते रहते हैं, वो तो फ्री हम लोगों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए आसान हो गया होगा कि बच्चे आते होंगे यहाँ छोटे छोटे और आप दे देते हो? उनको बोलते हैं जितना खाना उतना खाओ, तुमको एक रुपया नहीं लगे। कितनी खाना है? इस जिला आपका छोटा है, सलेमपुर देवरिया जिला है आपका, छोटा जिला है, कितनी कमाई हो जाती है और कितना योगदान बच्चों को दे देते हैं? हम तो उससे नहीं, मतलब हमको बोले कि जो भी है उन्हीं लोग का है। चलिए, आप अपनी कमाई नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन सोच आपकी किसी बड़े कमाने वाले अंबानी अडानी से कम नहीं है। जो लोग बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स या मॉल खोले रहते हैं, वहाँ भी शायद इस तरह की चीजें कभी नहीं आती हैं, जहाँ ये लिखा रहता है फ्री फ्री फ्री, बच्चों के लिए सब कुछ फ्री, बच्चे आए और ले जाए। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है देवरिया भर से लोग आपके पास आए, आप दे पाएंगे? हाँ, उन्हीं का ही, हमारा तो कुछ नहीं है। हमारा तो कुछ नहीं है, उन्हीं का। हाँ, मतलब सब दूसरे का, हमारा तो कुछ नहीं है ना। हमारा तो कुछ नहीं है, जो भी जितना खाने सब उन्हीं का, जब तक रहेगा खिलाते रहेंगे। अच्छा, जब तक रहेगा तब तक ये खिलाते रहेंगे, ये आपकी ऐसी सोच है। अच्छा, इस वीडियो को अविनीश शरण ने शेयर किया था, आप जानते हैं उनको? हाँ, मतलब शेयर किए तब से जान रहे, उसके पहले तो मतलब नहीं जानते थे। नहीं, वो आए थे आपकी दुकान पे? नहीं, ये नहीं पता है। नहीं, मतलब इसका फोटो बहुत लोग खींचते थे, लेकिन कैसे गया ये हमको नहीं मालूम। अच्छा, उन तक कैसे चला गया ये नहीं। ये जैसे ही अविनीश शरण ने इस फोटो को लगाया था, सोशल मीडिया पे इस पे खूब प्रतिक्रिया लोग देने लगे और लोग कहने लगे कि ऐसा भी दुकानदार है कोई जो अपनी दुकान में फ्री 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 चीजें लगाता है, और वो सोशल मूवमेंट है, बच्चों के लिए वो चीजें लगाता है। यहाँ इनकी चाट की दुकान है, ये चाट बन रहा है, ये बता रहे हैं। चाट की दुकान के पीछे भी देखिए फ्री 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 वाला लगा हुआ है कि बच्चे चाट है। चाट वाले भाई साहब इधर आइए जरा, बच्चे आते हैं? हाँ आते हैं। हाँ हाँ, खाने के लिए देते हैं उनको? एकदम देते हैं भैया, एकदम देते हैं, एकदम देते हैं। हाँ, कुछ ये भैया का आदेश है? भैया का आदेश है, भैया बोलते हैं हम टोकन देंगे तो दे देना, कोई बच्चा रहे चाहे सियान है, ठीक है, बच्चा रहेगा टोकन रहेगा तो दे देना जरूर। अच्छा, उसको घुमाना मत, अगर नहीं भी टोकन रहेगा जब भी दे देना, छोटा बच्चा रहेगा तो। देखिए किस तरह की सोच है कि छोटे बच्चों के लिए चाट वाट की व्यवस्था है,
निश्चित रूप से कि ऐसा कोई भी दुकान मैंने तो अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा। अगर आपने कभी ऐसी दुकान देखी है जहां पे फ्री का बोर्ड लगा हुआ हो, ऐसे बच्चों के लिए जो 14 साल से छोटे हैं, ऐसे बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, ऐसी दुकानों की सराहना करते रहिएगा। अविनीश शरण जी को बहुत धन्यवाद, उनकी वजह से हम लोग आज देवरिया के सलेमपुर में आए और यहाँ पर आकर ये वीडियो दिखा पाए, और शायद इस वीडियो देखकर बहुत सारे दुकानदार और इंस्पायर हो जाए और इस तरह की दुकानें और खुलने लगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। मेरा नाम मित्र प्रकाश है।